तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मौजूद है जिसने पूरा मैच जितवाया है हमें, दैट इज झूठ बोल रही हूँ मैं नहीं कसम में झूठ ऑन करना बढ़िया तुमको कब से आई होगी हाँ तो क्या हुआ है हार गए ना हार गए बहुत बुरी तरह अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज टेक आउट अ मोमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल राइट नाउ वरना मैं व्लॉग नहीं शुरू कर रही मजाक करी फिर भी खैर अब करते हैं व्लॉग शुरू तो आज का जो व्लॉग है वो है मैच के हवाले से जो मैच हो रहा है एक चैरिटी मैच है जो गेम शो के भी लोग हैं उसमें और खुश रहो पाकिस्तान के भी हैं तो बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होंगी और लेट्स सी कितना मज़ा आने वाला है तो मैंने सोचा अगर मैं जा रही हूँ तो मेरी आवाम क्यों ना इन्जॉय करे मेरे साथ यारा जी ऐसी शुक्र मेला लगाए रखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आप सबके लिए ये व्लॉग लाई हूँ और आज मेरे घर जो इस वक्त मौजूद है वो है फजीला बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और हम दोनों जा रहे हैं इस वक्त मैच में तो फजीला मेरे पास आई और फजीला ने कहा कि मैं अकेली जा रही हूँ मैंने कहा मैं भी अकेली जा रही हूँ तो फजीला ने सोचा हम दोनों साथ ही चलते हैं और जाना भी दूर था तो दो लड़कियाँ इकट्ठे जाएँ तो भारी होती है सेफ भी होगा तो खैर अब चलते हैं और सफ़र जो स्टेडियम है ना तो स्टेडियम जाना है अब हमने अब मैं ड्राइव करूँगी इंशाल्लाह तो फिर चलते हैं लेट्स गो तो फजीला ले आई है इस वक्त केएफसी और हम लोग केएफसी खा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी हमें भूख लगी थी और ट्रैफिक भी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा है यार सो गाइस फाइनली हम लोग स्टेडियम पहुंच चुके हैं और एक मैच जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी और हार गए और हम हार गए हैं oh, no. और मेरी टीम बैड लक थी और इस वक्त वो रही हमारी टीम खड़ी वो रहे शहरोज सर वो रहे शो के बड़े बड़े बच्चे शहरोज सर तुमको कब से आई होगी हाँ तो क्या हुआ है हार गए ना हार गए बहुत बुरी तरह कौन आ रहा है इतने अनबिलीवेबल कैसे हार सकते हैं यार लेट्स सी क्या बोलते हैं हमारी शो के टीम के सब यहाँ पे तो ये रही फजीला और मैं ऑटोग्राफ देते हुए मैं कह रही हूँ रिकॉर्ड करना किसी एक लड़का आया फजीला से ऑटोग्राफ मांगने बोलती है क्या लिखूं ये है सर फैसल आप देख सकते हैं टिकटॉकर्स का दूसरा मैच है हाय सर हाउ आर यू आई एम गुड यू लुक टायर्ड राइट नाउ नो नो क्या हो रहा है अभी तो फील्डिंग हो रही है और आप क्यों आ गए थकने का रेस्ट कर रहा हूँ ओपन कर रहा हूँ तो जिया तुम किसको सपोर्ट कर रही हो सर फैसल को क्या कह रहे हो तुम मैं लिखता हूँ क्या चीजें नहीं करनी शादी के होने के बाद क्या नहीं करना काफी कुछ लिखा है भाभी को पता है क्या सिखाया मदिया तुमने से मैंने सिखाया कि हमेशा वाइफ की रिस्पेक्ट की जाए और जैसे ऐसे मुझे रखते हैं वैसे ही रहा और जो जो चीज भाभी बोलती है वो माननी होती है हस्बैंड को आग लगा रहे हैं हर चीज में आग है ना खुशी खुशी रहना तो मानना पड़ेगा सुनने को कहा है मेरे पास और मैंने एक और चीज लाइक कर कल एक तो ये भी नहीं पीछे से हार कर आ रहे देखना नहीं नहीं तुम जीतो ना हारो सदा हमें तुमसे प्यार है क्योंकि तुम इनके शौहर हो तुम जीतो या हारो भाभी मुझसे प्यार है तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है मेरा भाई है ना देखें मैंने मतलब आपको ऐसा के शक है इस पे शक है मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि जो वक्त मैंने ऐसा के घर में गुजारा है ना वो मदिया भी नहीं गुजारा
ये राज भी उस वक्त के साथ ही चला गया। नबील बहुत गलत बातें कर रहे हैं। थक गया मैं बहुत। थक गए हो? कैसे? क्या मतलब? क्या शेयर करना इजी है क्या? इजी हाँ, शेयर करना इजी। इसमें मैं डूबे चला, इतना मोटा डूबे नहर में भी नहीं डूबेगा, नहर में भी ऊपर ऊपर यूं ही चलता रहेगा। यूट्यूबर यूट्यूबर YouTuber, Insta influencer and snacker. What is TikTok? And bowler. And bowler. Bowl. कुछ भी चलेगा। So guys, ये अभिषेक के fans आए हैं कुछ। So guys, match चल रहा है और batting हमारी हो रही है। जी, पर batting जो है इस वक्त कर रहा है Zen और गौरव है। अभी तुम्हारा भाई गा रहा है क्या? तुम्हारा भाई गा रहा है क्या? जैसे क्यों लग रहा है कि सिकंदर का हाल है? क्या बोला तुमने? सिकंदर भाई लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। हाय शेरू सर, हाउ आर यू? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। लग रहा है बहुत जद्दोजहद की आपने। बहुत मेहनत की। क्या हालात? पहले मैच हम हारे लेकिन बिल्कुल एज पे आगे हारे, ऑलमोस्ट जीतते जीतते हम हारे। इस मैच को हारने में कितनी देर लगेगी? जीतेंगे। आर यू श्योर? 100%। देखिए मैंने, मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। इंशाल्लाह जीतेंगे। हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। आप अगर नहीं जीते ये मैच, मेरा नाम अगर डूबा, मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, मुझे शो छोड़ने पर मजबूर नहीं करना। और आपको पता है एक मजे की बात, अलिफ के साथ लोगों ने सेल्फी ला के खिंचवाई है। मैंने इसको कहा और बैठो तुम टिकटॉकर्स के साथ, और अलिफ मतलब कैसे यार? प्यार है, क्या करें? बिल्कुल प्यार है, तुम हो ही प्यारे अलिफ। तभी हम नबील को किसी अच्छी जगह नहीं लेकर आते, तभी जाएगी दादी सारी। इसने तभी इसको मैं कहीं अच्छी जगह नहीं लेकर आती। इसने मेरा हाथ जलाया है, अभी इसने मेरा पांव जला दिया है। फजीला और नबील दोनों अच्छी जगह आने के लायक। बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया। वो ये भी पी जाएगा। ये व्लॉग में अगर नहीं डाला मैंने, ये अगर व्लॉग में नहीं डाला मेरा भाई, मेरी कॉमेडी। अब नहीं, अब नहीं, अब मक्खन नहीं लगेगा। आई लव यू। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया। शेरू सर, बिग फैन, प्लीज कम हियर, वन पिक्चर सर। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि लोग अगर हमें जानते भी नहीं है ना, फिर भी उन्होंने देखा है कि एक दो लोग आके तस्वीर ले रहे हैं, तो हम भी ले रहे हैं। उनको इत्तेफाक से हमारा नाम भी नहीं पता। एक फैन को अभी आजमाते हैं उसे। आज अगर नीना आ रहे तो मैं इधर से कूद के जा। नहीं, 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 नहीं। नबील बोतल लिया वहां से, ठंडी ठंडी। और अब्दुल्ला ने मारे हैं दो छक्के। सो इस वक्त चल रहा है मैच और मैच अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बताती, मैं नहीं बता रही, मुझे मैच की इतनी नॉलेज नहीं है। मैच इंटरेस्टिंग अभी क्यों हो गया है? हमें कितने रन की और जरूरत है? 18 रन की हमें हमें जरूरत है, तब ड्रॉ होगा या हम जाके जीतेंगे। जीतेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिशें हैं। और यहाँ पे दो बीवियों की दुआएं भी हैं अपने शोहरों के साथ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूर जीतेंगे। एक मैच हार चुके हैं और उस वक्त शायद मैं नहीं थी, पर मैं आ गई हूँ अब, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। ओह माय गॉड, कह रहे कि ऐसे भाई आउट है, लेकिन ऐसे भाई आउट नहीं है। या ऐसे आउट है, आप देख लेना। फजीला सपोर्ट कर रही है, फजीला का सपोर्ट तो मैंडेटरी है। तो फराज को हमने यहाँ पे पकड़ लिया है और फराज जो है हरकतें कर रहा है। फराज क्या कर रहे हो तुम? अरे ये आपने खुश रहो पाकिस्तान समझा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए। हमारी आवाज सुनते सुनते टूटा हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया, ये बताइए। अच्छा अच्छा भाई, मैं बताता चलूँ भाई, हमारी हमारी दुआएं तो ये कि अल्लाह पाक हमारी टीम टिकटॉकर्स को जितवा दे। लेकिन 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 अभी बहुत मुश्किल स्कोर है, क्योंकि सैकल भाई भी आउट हो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? व्हाइट टिकटॉकर्स। अच्छा मैं बताऊं? जी बताएं। मैं थोड़ा
थोड़ा सा लेट पहुंची हूँ, तो एक मैच खत्म हो चुका था, टिकटॉकर्स उस वजह से हार गए क्योंकि अरीशि सुमरो का सपोर्ट नहीं था उनके साथ। अब मेरा सपोर्ट है उनके साथ तो इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे, मुझे अपने आप पे एतमाद है। अरीशि सुमरो मौजूद है जो कि एक बहुत बड़ा नाम, और मैं चाहूंगा कि वो इस कमेंट्री में शामिल होकर हमारी कमेंट्री को आसान बनाए, लूज बनाए। अरीशि सुमरो, बस मेरी दुआएं हैं कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ शहरों सर, सर और मेरी सारी टीम जो जो यहाँ पर मौजूद है, जैन, सिकंदर, इवन टिकटॉकर्स, नबील, फयाज, एवरीवन आउट देयर, उनको मैं सपोर्ट करने आई हूँ और मेरी दुआएं उन सबके साथ हैं, तो इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह बहुत टेंशन हो रही है यार, दो गोले जाया हो गई और नौ रन आई और चार गोले रह गए, नौ रन चाहिए। अल्लाह प्लीज चौका हो जाए प्लीज। नदिया कह रही है देखो मैंने दुआ की थी ना छक्का हुआ। पूरा मैच गाइस अभी एक चौके पर डिपेंड करता है, और अगर एक चौका लग गया तो टिकटॉक ये दिखाओ, ये वाला लास्ट वाला शॉट दिखाना। इस वक्त लास्ट बॉल है गाइस जिसपे हमें चार रन लाजमी चाहिए जीतने के लिए, और मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, घबराहट उनको भी हो रही है जो खेल रहे हैं, आखिरी बॉल शेरोज आरोप करवा रहे हैं सर, सर शेरोज टिकटॉकर्स की उम्मीदें अभी भी वाबस्ता है, और सर फैसल पीछे बैठे हुए हैं जो कि बहुत अपसेट है इस वक्त क्योंकि चार बॉलें एक बंदे ने जाया कर दी थी जिसका नाम मुश्तबा है, मैं बोल रही हूँ उसके साथ, चार बॉलें जाया कर दी थी क्योंकि हमें चार बॉलों पे नौ रन चाहिए थे जो कि बहुत हल्का स्कोर था, अब एक बॉल पे हमें चार तीन रन चाहिए, एक बॉल पे तीन रन चाहिए, अल्लाह करे अगर चौका लग गया या छक्का लग गया तो बात ही अलग है भाई, लेवल ही अलग है। तुम्हारी जगह मैं सपोर्ट कर रही हूँ अल्लाह ही कसम, वैसा नहीं कर रही पर कर रही हूँ, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं भी पसंद नहीं है सारी डोंगी, बस आपस की बात तुम्हें पसंद नहीं है, बट ये सपोर्ट करने पर कह रहे हो कि तबीयत भी सही नहीं आ रही है, गेट वेल सून करना, लव यू करना, कॉलेज का नहीं कट हो गया, हो गया। तो गाइस मैं खा रही थी ठंडा बर्गर जो कब से रखा हुआ था, पर मेरा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ, एक मारूंगी ना थप्पड़, मेरा हो गया गरम गरम, गरम गरम, मजा 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 आ गया, भाई वाह मजा आ गया, प्यास लगे पानी है, हाँ हो रहा जल्दी पियो, मुझे बंद करना है जल्दी पियो यार, बस चलो
अभी हम निकल रहे हैं, हमें नहीं पता कौन जीता क्योंकि एक मैच जब मैं आई थी वो जीत चुके थे, वो था सेमी फिनाले मैच और ये है फाइनल मैच। तो ये जो है फाइनल मैच है और रात के बजने वाले हैं एक, तो मुझे एक बजे से पहले पहले घर भी पहुंचना है, फजीला को भी ड्रॉप करना है, तो मैंने सोचा ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह जो भी होगा नसीब जो भी होगा हमारे, मेरी दुआएं हैं कि टिकटॉकर ही जीतेगी। मैं फाइनल में बैठ नहीं पाई, अगर मुझे घर से लेट तक इजाजत होती तो मैं जरूर बैठती, बट स्टिल कोई बात नहीं, पता चल जाएगा कौन जीता। पर खैर अब करते हैं ब्लॉग का एंड, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट और प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग ब्लॉग्स, बहुत मजे मजे के ब्लॉग्स आने वाले हैं और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसी। जल्दी जाए पहले सब्सक्राइब करें और फिर जाकर मेरे वापस ब्लॉग पर आए, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है आपको। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।